हाँ? क्या? ओह नहीं, ठीक है। इलाइडा मैडम आपके लिए मुसीबत आई है। ऑर्गेनाइजर से बताया है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, अब वहाँ पार्टी करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बोर्ड पर पार्टी नहीं कर सकते। अब ये बताओ मुझे कि हम पार्टी कहाँ रखेंगे? हम रखेंगे जाहिदा मैडम के घर पर। नहीं सिद्धिका, मैं जाहिदा साहिबा का सामना नहीं कर सकती। ओह, फिर आप इसको ऐसे ही समझे, आप उनके घर की दुल्हन होगी, ऐसे ही वो लोग आपको देखेंगे। और सब लोग कहेंगे कि ये लड़की सिर्फ बरीश साहब की पार्टनर ही नहीं बल्कि वो घर का हिस्सा भी है। मेरा मतलब है इलायदा बुका। बुका, इलायदा बुका। ये सोच काफी अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी। देखो, तुमने मुझे मना लिया है, हम ये कर रहे हैं। तुम जरा बोर्ड पर जाकर देखो कि क्या माजरा है, और मैं जाहिदा साहिबा का ख्याल रखूंगी। हेलो। हेलो इलायदा जान। जाहिदा साहिबा वो हो गया है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, पता नहीं कैसे। आप बिजी नहीं तो बताओ। हाँ बता दो, कोई बात नहीं। मैं नाकाबले यकीन मुजाहिरों से महफूज हूँ। प्रॉब्लम यह है कि शिप खराब हो गई है, तो हमने सोचा है कि पार्टी को आपके बगीचे में रखा जाए, अगर एतराज ना हो। तो तुमने हमारे बागीचे का सोचा है? कितने पैसे हो गए? जी, बरिश की रेपुटेशन का सवाल है, इसीलिए सोचा। हाँ मेरी बच्ची, सब कुछ बरिश के लिए है। कैसे? ठीक है बेटा, ठीक है। मैं कह रही हूँ आ जाओ, तुम कर लो, तुम्हें पार्टी करनी है यहाँ कर लेते हैं। तुम बुला लो, सबको बुला लो घर पर। अपनी सारी पार्टी यहीं करेंगे, आ जाओ, मैं घर पे हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या? बात सुनो, मेरी पार्टी की जगह बदल गई है, तुम्हारा काम है सबको इन्फॉर्म कर दो। अगर कोई भी मेहमान रह गया तो अच्छा नहीं होगा। इलायदा मैडम, ऑफिस में चोर घुस गया था। क्या? कैसे? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, शायद रात को आए, सब कुछ ले गए। अल्लाह, ये कैसे हो गया? ओह, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। आज का दिन मेरे लिए वाकई बहुत बुरा है। यानी आप पर यकीन नहीं आ रहा मुझे, आप किसी चीज की ख्वाहिश ना किया करें, क्योंकि उसका उल्टा ही होता है। आपने हमें कहा था कि हम किसी को अपने घर नहीं बुला सकते, लेकिन अब तो आपा जान पूरी दुनिया हमारे घर आ रही है। पहले तुम उस सोफे पर दोबारा जाकर बैठ जाओ और फिर दोबारा से हंसो।